हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ। जैसा कि फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो मैंने करी है कुछ शॉपिंग और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि मैं क्लोथ्स शॉपिंग हॉल करने वाली हूँ, कुर्ताज मैंने कुछ परचेज किए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने लोकल शॉप से ही परचेजिंग करी है। अगर आप उदयपुर आते हैं तो उदयपुर में मधुबन कॉलोनी में अरिहंत नाम की एक शॉप है, वहाँ पर आप साड़ी, कुर्ताज, हैवी सूट्स वगैरह सब कुछ परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शॉपिंग हॉल। और मेरी फर्स्ट कुर्ती जो मैंने परचेज करी है वो वहाँ पर एक 50% सेल लगी हुई थी, और 50% सेल में मुझे एक ही कुर्ता पसंद आया था, तो सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और उसकी प्राइस मैं बता देती हूँ कि उसकी प्राइस 1095 रुपीज़ ही थी, पर वो मुझे 550 रुपये में ही मिला। और मेरी जो फर्स्ट कुर्ती है वो है मस्टर्ड येलो कलर में। दिस इज़ द कुर्ती, यू कैन सी, बिल्कुल फॉर्मल कुर्ती है क्योंकि मुझे ऑफिस वियर्स के हिसाब से ही ड्रेस परचेज करनी थी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर रेड पाइपिंग है जो कि पूरे कुर्ते पे हेड तक लगी हुई है, और इस तरह से यहाँ पर भी रेड पाइपिंग लगी हुई है। और ये थ्री कट कुर्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री कट लगे हुए हैं, इसमें फ्रंट कट है। और मैंने लिया है थर्ड फोर्थ स्लीव्स, और मैंने ना इनमें से सारे ही कुर्ते एल साइज़ के ही परचेज किए हैं। और ये थर्ड फोर्थ स्लीव्स है और मुझे इनमें बिल्कुल फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मुझे बिल्कुल फिट आ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, और इस पर इस तरह से थ्रेड वर्क है, यू कैन सी हियर, आपको साफ दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये कुर्ती मैंने ली है। तो ये मेरी है फर्स्ट कुर्ती। और मेरी सेकेंड कुर्ती है जो कि सेल ऑफर, जो 50% सेल वहाँ चल रहा था उसमें से नहीं है। मैंने फ्रेश जो माल था उनका, फ्रेश जो कंटेनर्स थे, क्लोथ्स थे, उनमें से ही परचेज किए हैं। सो फ्रेश कुर्ती में मैंने ये कुर्ती परचेज करी है जो कि 990 रुपीज़ की है, 990, बट ये मुझे मिली है 690 रुपीज़ में। और मैंने ये लिया है पिंक कलर, और इस तरह से ये कुर्ती है, यू कैन सी हियर। और यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पर इसके एक कुछ थ्रेड वर्क है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है, और साइड में यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग है, आप देख सकते हैं। और पीछे कुर्ती पर इस तरह से बैक है, और पूरी कुर्ती बैक साइड से लाइनिंग वाला मटेरियल ही यहाँ दिया हुआ है, और फ्रंट पे ये इस तरह से है, आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोकल शॉपिंग करते हैं तो वो हमेशा बुरी ही होती है, ऑनलाइन अच्छी शॉपिंग होती है, बट लोकल शॉपिंग करना भी समटाइम्स बहुत अच्छा रहता है। सो मैंने ये करी है। और ये भी थर्ड फोर स्लीव्स है, यहाँ पर इस तरह से बेल्ट दिया हुआ है, बिल्कुल सोबर कलर है इसका, और मुझे ये कलर की वजह से ही बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से नॉर्मल कुर्ती है, और इस तरह से मैंने ली है सेकेंड कुर्ती। और मेरी थर्ड कुर्ती जो है वो मैंने पूरी प्रिंटेड ली है, और बिल्कुल इलायची कलर जो होता है ना उससे, उसी का थोड़ा सा डार्क कलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से इसका नेक है बिल्कुल। और ये भी थर्ड फोर स्लीव्स है, और पूरे ही कुर्ते पे इसी तरह की प्रिंट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ये प्रिंट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इवन बैक साइड पर भी इस तरह से प्रिंट बनी है, और यहाँ पर फ्रंट साइड में इस तरह से बटन का डिज़ाइन दिया हुआ है, वेट अ मिनट, इस तरह से यहाँ पर बटन्स का डिज़ाइन दिया हुआ है जो एंड तक जा रहा है, देख सकते हैं आप। और ये भी एल साइज़ का है, और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट सेट हो रहा है, इसके लिए भी मुझे स्टिचिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे उस शॉप की सबसे खास बात क्या है पता है, वो हर सूट को इस तरह की रैपिंग में रैप करके देते हैं, अच्छे से पैक करके देते हैं, और उनका इस तरह का एक आउटर पैकेजिंग होता है, यू कैन सी हियर, और बहुत ही अच्छा पैकेजिंग लगा मुझे ये। तो मेरा नेक्स्ट जो प्लाजो है वो मैंने ऐसे ही किसी शॉप से परचेज किया था, रस्ते चलते लग रहा था, दिख रहा था, तो मैंने ले लिया, और ये मुझे पड़ा है 250 रुपीज़ में मात्र। जी हाँ, इस तरह से ये प्लाजो है, प्रिंटेड है, और ये मैंने घर में पहनने के हिसाब से परचेज किया है। इस पर मैं एक बहुत अच्छा सा कोई लाइट कलर का टी शर्ट लेके आऊँगी और उसे घर में पहनूँगी। और आप देख सकते हैं इस तरह फ्लेयर वाला प्लाजो है, तो बहुत अच्छा है। और हाँ, इसकी कुर्ती का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये 1380 रुपए का है, बट ये मुझे 890 रुपए में कुर्ती मिल गई थी, तो दैट्स रियली गुड। एंड मेरी लास्ट जो कुर्ती है वो मैंने फेस्टिव सीजन के पर्पस से खरीदी थी। ये जो सारे क्लोथ्स हैं वो मैंने करीबन मैंने जो क्लोथ्स हैं वो मैंने
जो क्लोथ्स हैं वो मैंने फेस्टिव सीजन के हिसाब से नहीं परचेज किए, वो मैंने फॉर्मल के हिसाब से परचेज किए हैं। बट ये जो कुर्ती है जो मैंने आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, वो मैंने फेस्टिव सीजन के पर्पज से परचेज करी है। उस पर कुछ मिरर वर्क है और आप देख सकते हैं इस तरह से, ये है मस्टर्ड येलो कलर की कुर्ती है। इस तरह से स्लीव्स में भी यहाँ पर इस तरह से कुछ थ्रेड वर्क है, कशीदा है, काम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी और सोबर सिंपल सा इस पर वर्क है। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जा रही है इसमें साइड में पूरी की पूरी पट्टी नीचे तक लास्ट तक, और जो कि बहुत ही इसको एलिगेंट बना रही है, खूबसूरत बना रही है। सो ये थी मेरी फोर्थ कुर्ती और इसका प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और नहीं भी बताया हो तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी। इसकी जो प्राइस है वो है, ये 1150 रुपये का कुर्ता है, बट ये मुझे 950 में मिल गया था, तो दैट्स रियली गुड। और उसी के साथ एक शॉपिंग मैंने करी है मिंत्रा से, मैंने मिंत्रा से एक प्लाजो सेट खरीदा था। मैंने एक्चुअली 3-4 सेट खरीदे थे, बट सारे के सारे में किसी में मटेरियल डिफेक्टेड था, किसी में मटेरियल शेयरेबल था, तो मुझे रिटर्न करने पड़े। तो फाइनली मैंने एक ही रखा है और ये प्लाजो है फ्रॉम हियर एंड नाउ से, और ये भी मैंने एल साइज का लिया है। हालांकि इसका इसका प्राइस है 2199-2200 रुपये की ड्रेस है ये। दिस इज़ द ड्रेस, यू कैन सी हियर, और ये इसका कुर्ता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कुर्ता है, और इसकी जो कटिंग है वो नीचे की जो कटिंग है वो एकदम फ्लेयर टाइप का कटिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से ये थोड़ा सा तिरछा इस तरह का कटिंग है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और साथ ही बता दूँ इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे ना सॉफ्ट टाइप के क्लोथ्स ही पसंद है, कॉटन हो बट सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो। आप क्योंकि ऑफिस में 8-8 घंटे 9-9 घंटे आपको पहने रहना होता है, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल क्लोथ्स ही जमते हैं। इसी के साथ बता दूँ इसकी, ये ऑफर के बाद मुझे मिला है करीबन 2200 का ये ड्रेस है, बट ये मुझे 950-1000 के अंदर ही मिल गया था। तो अब इसका प्लाजो दिखा देती हूँ। इस तरह से ये प्लाजो है जो प्रिंटेड है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है, और इसका भी कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एल साइज़ है, हालांकि ये एल साइज़ मुझे थोड़ी सी लूज़ रह रही है, बट मैं इसकी फ़िटिंग कराऊंगी, क्योंकि एम साइज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा छोटा हो, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी, और इसीलिए मैं इसी की फिटिंग, कुर्ते की फ़िटिंग कराने वाली हूँ। प्लाजो मुझे आ रहा है कम्फर्टेबली। सो ये मेरे क्लोथ्स का टोटल हॉल था। मैंने थोड़ा सा कुर्ती वगैरह और फॉर्मल इनफॉर्मल और क्लोथ्स घर के लिए कुछ परचेज किए थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह की वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूं, जो भी अगर शॉप करती हूं कुछ अलग से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।